सन 1836 में स्थापित अजमेर का सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय हेरिटेज भवन में शामिल। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक ने सौंपा हेरिटेज भवन का पत्र। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। सन 1836 में स्थापित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भारत में दूसरे नंबर का सबसे पुराना ऐतिहासिक महाविद्यालय है। इसके कई बिल्डिंग्स का 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान निर्माण हुआ, जो अभी भी मूल स्वरूप में स्थापित है। यहाँ वर्तमान में करीब 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 32 बीघा में बने हुए इस महाविद्यालय में 160 व्याख्याताओं का स्टाफ है, जिसमें से 80 से ज़्यादा यानी 50% से अधिक स्टाफ यहीं पर अध्ययन किया हुआ है। महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि यह महाविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है कि महाविद्यालय ने 183 साल पूरे कर लिए हैं और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा महाविद्यालय को हेरिटेज भवन का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके लिए UGC को प्रपोजल बनाकर भेजा जा रहा है ताकि इस भवन का सही तरीके से रखरखाव किया जा सके। राजकीय महाविद्यालय अजमेर की स्थापना सन 1836 में हुई थी। इसको करीब 183 साल पूरे हो गए हैं और भारत में यह दूसरे नंबर का सबसे पुराना कॉलेज है, ऐतिहासिक कॉलेज है। इसकी जो कई बिल्डिंग्स हैं वो 19वीं शताब्दी में बनी थी और ब्रिटिश काल में जो ये बिल्डिंग बनी हुई है वह अभी भी वर्तमान मूल स्वरूप में है। जो कि पुराने समय में बनी थी वो सभी की सभी बिल्डिंग्स, जो पुराना स्ट्रक्चर है, अभी तक ऐतिहासिक रूप में धरोहर के रूप में मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या वर्तमान में 9000 है और कई विद्यार्थी यहाँ से IAS, वाइस चांसलर्स, शिक्षक और ऊंचे पदों पर पदस्थापित हुए हैं और कई सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं। इस महाविद्यालय में जो औपनिवेशिक स्थापत्य कला के जो भवन है उनके कुछ फोटोज़ अभी आपने यहाँ से भी लिए हैं कि यहाँ जो उपलब्ध है इस चैम्बर में। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे पीछे की ओर एक 1904 का बोर्ड भी लगा हुआ है, वह बिल्डिंग बनी हुई है और इसी कारण से राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इस महाविद्यालय को हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। हेरिटेज का दर्जा मिलने से महाविद्यालय UGC को जो प्रपोजल भिजवा रहा है उसमें हेरिटेज के कारण UGC द्वारा जो राशि दी जाती है इन पुराने भवनों के रखरखाव के लिए कार्य में लिया जाएगा। इसके लिए हम प्रपोजल तैयार कर UGC को भिजवा रहे हैं। लगभग कितने वर्ग बीघा में सर ये पूरा बना हुआ? ये जो महाविद्यालय है करीब 32 बीघा में बना हुआ है। यहाँ के जो स्टूडेंट पास होकर जाते हैं किस किस तरह का मुकाम हासिल कराएंगे? यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अभी भारत सरकार के जो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे सुभाष गर्ग, जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को लिया था, वो 1980 बैच के BCOM है और मैं भी उसी समय BCOM में साथ में थे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी इस महाविद्यालय के 1980 बैच के विद्यार्थी रहे और कई इकोनॉमिस्ट यहाँ से निकले हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 1974 में, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यहाँ MA फाइनल में इकोनॉमिक्स का वाइवा लेने के लिए इस महाविद्यालय में आए थे। सर अभी लगभग वर्तमान में कितने लेक्चरर ऐसे होंगे जो यहाँ से पढ़े हुए भी हैं और आज यहीं पर? करीबन 160 के स्टाफ में 80 से अधिक, मतलब 50% से अधिक यहीं के विद्यार्थी हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के वृत्त अधीक्षक नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सन 1836 में हुई थी। इसके कुछ भवन 19वीं सदी के ब्रिटिशकालीन औपनिवेशक स्थापत्य कला के बने हुए हैं और 100 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन हैं। इन भवनों की संरचना अवयव जैसे मेहराब, स्तंभ, झरोके, प्रवेश द्वार व अन्य भाग ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करता है।
लिहाजा 100 वर्षों से अधिक तथा कलात्मक महत्व की संरचना होने के कारण इस महाविद्यालय के प्राचीन निर्मित भवन को प्राचीन स्मारक यानी हेरिटेज भवन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सर, किस तरह का आज लेटर आपने इसको सुनाया? एक महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा मुझसे टेलीफोनिक चर्चा की गई थी कि हमारे यहाँ कुछ भवन जो है आज भी अधिकांश भवन मूल स्वरूप में है और प्राचीन है, जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इनके संरक्षण वगैरह के लिए हमें UGC से विशेष अनुदान की व्यवस्था हो सकती है और क्या इनको चिन्हित करने के लिए इनको ये मूल स्वरूप में या कितने पुराने हैं इनकी जो प्राचीनता और ये धरोहर स्वरूप में उनको निरीक्षण करने के लिए मुझे सर द्वारा पत्र प्राप्त हुआ था। मैंने अपनी टीम के साथ यह निरीक्षण किया। मैं यहाँ पे वृत्त अधीक्षक हूँ, अजमेर संभाग के उसके रूप में आधिकारिक रूप से यहाँ आया और मैंने यहाँ पे निरीक्षण भी किया और कई बिल्डिंग्स वगैरह जो मूल स्वरूप में हैं और जो औपनिवेशिक स्थापत्य का मूल स्वरूप लिए हुए हैं बने हुए हैं अपने मूल स्वरूप में हैं, वो इन सबको देखते हुए ये प्रमाण पत्र जो मैंने पुरातत्व संग्रहालय विभाग के अधिकारी प्रभारी अधिकारी अजमेर संभाग होने के नाते सर को दिया है कि ये इसमें स्थापत्य जो है वो 100 वर्ष से अधिक पुराना है तो वो धरोहर की श्रेणी में आता है।